फैसलाबाद में होने वाले T20 क्रिकेट मैचेस में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को क्रिकेट रूल्स एंड रेगुलेशन से आगाही के हवाले से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें T20 में हिस्सा लेने वाली 8 टीमों ने शिरकत की। इस मौके पर डायरेक्टर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग PCB वसीम बारी ने एक सवाल के जवाब में कहा, देखें बात सारी ये है कि जितना कम्युनिकेशन लेवल इंक्रीज होगा, जितनी अवेयरनेस होगी प्लेयरों में, जितनी एजुकेशन होगी, जितनी मालूमात होगी, उससे बहुत फ़ायदा होगा। और अगर आपको हकीकत मालूम नहीं होगी, अगर आपको कानून नहीं मालूम होंगे, आपको ये नहीं मालूम होगा कि दुनियाई स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है। अभी IOC की मीटिंग भी उन्होंने कहा कि 140 बिलियन डॉलर स्पोर्ट्स में इलीगल बैटिंग होती है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा तरीका है कम्युनिकेट करने का, इंफॉर्मेशन शेयर करने का और विद द स्टेक होल्डर्स। और हम मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे ऑफिशियल्स, स्टेक होल्डर्स, मैनेजर्स जब तावन करेंगे तो सूरत हाल इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर होगी। वसीम बारी साहब का कहना है कि इस तरह के सेमिनार्स मुनक़द होने चाहिए, ये असल में मकसद है खिलाड़ियों की तरबियत करने का, ताकि जो फिक्सर्स हैं वो अपने जो हथकंडे इस्तेमाल करते हैं उनसे बचा जा सके। कैमरामैन कमाल भट्ट के साथ नदीम हुसैन, INN News फैसलाबाद।